सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, आज यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस को एक नया FOTA अपडेट मिल चुका है। बेसिकली ये जो अपडेट है वो एंड्रॉयड पाई के अपडेट आने के बाद सबसे पहला अपडेट है जो कि सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ समय पहले जो अपडेट है वो सैमसंग गैलेक्सी J6 इन्फिनिटी में यहाँ पे आ चुका है, और आज फाइनली यहाँ पे जाके जो सैमसंग है वो अपने सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस के लिए भी जो अपडेट है वो इंडिया में यहाँ पे रोल आउट करना स्टार्ट कर चुकी है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डिटेल की, तो जो फाइल साइज है वो लगभग यहाँ पे 344 MB के आसपास की अपडेट है। जैसा कि हमको यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J6 में इतने लगभग इसी फाइल साइज के लगभग यहाँ पे जो अपडेट थी वो प्रोवाइड की गई थी। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच हमें मिला है वो मिला है जुलाई 2009 का सिक्योरिटी पैच, यानी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस को प्रोवाइड कर दिया गया है। बात करता हूँ यहाँ पे चेंजेस की, तो हालांकि चेंजेस के लिए तो मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कंफर्म न्यूज़ जो है वो सैमसंग तरफ से नहीं बताई गई है कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। हालांकि सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस में, साथ में सैमसंग गैलेक्सी J6 में भी यहाँ पे जो एंड्रॉयड पाई के अपडेट आने के बाद काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देखने के लिए आ रही थी, जैसे कि लैगिंग प्रॉब्लम, हीटिंग प्रॉब्लम, और भी यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम बैटरी ड्रेन वगैरह को लेकर के प्रॉब्लम सारी आ रही, जो कि काफ़ी सारे यूजर्स यहाँ पे फेस कर रहे थे। तो जितने लोग भाई यहाँ पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, जितने लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं या फिर जिनको अपडेट अभी नहीं मिली, फिलहाल उनको भी अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी। तो फाइनली सारे लोग यहाँ पे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे, उस वो प्रॉब्लम एक्चुअली में इस अपडेट के आने के बाद यहाँ पे सॉल्व हुई है या फिर नहीं हुई है, और क्या कुछ मतलब चार्जिंग वगैरह से रिलेटेड इशू आपको यहाँ पे हो रहे हैं अपडेट आने के बाद, या फिर आपकी जो बैटरी वगैरह ड्रेन वगैरह हो रही थी उस प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिला या फिर नहीं मिला इस अपडेट के द्वारा, सारा कुछ आप हमें यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करिएगा। तो फाइनली जो अपडेट है आ चुकी है, जिन लोगों को नहीं मिला है बहुत जल्दी यहाँ पे इंडिया में जो अपडेट है वो रोल आउट हो जाएगी, सारे लोगों को हो जाएगी लगभग 1 से 2 दिन में। तो भाई जितने लोगों को नहीं मिला है परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपडेट आपको मिल जाएगी। और आप हमें यहाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हो रही है और क्या क्या आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व यहाँ पे हुई है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।